Good morning, students. Continuing the second chapter of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We have learned that how soil is important for us. How important is soil? Soil हमारे लिए कितना important resource है? मैंने आपको बताया था there are different factors that contribute to soil formation. Soil की formation में बहुत सारे factors होते हैं और soil की grains पे depend करता है कि soil किस तरह की हो. सॉइल मोटी होती है, सॉइल पतली होती है, कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं, कुछ खेती के लिए अच्छी नहीं होती है. ठीक है. नाउ व्हेन सॉइल इज कंटिन्यूअसली यूज्ड इट बिकम्स डिग्रेडेड. इसका ग्रेडेशन जो होता है या इसकी क्वालिटी जो होती है वो घटती रहती है. इसमें नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स बोथ कंट्रीब्यूट. सो लेट्स सी द इरोजन बाय ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. Deforestation, overgrazing, excessive use of chemical fertilizers, these are human factors. ये human factors हैं जो human beings करते हैं. Deforestation, आदमी जंगलों को काट देता है अपने लिए सड़कें बनाने के लिए या buildings बनाने के लिए या शहर बसाने के लिए. Overgrazing, overgrazing means animals are they graze the grounds, the grasslands and they overgraze it. Overgraze कर देते हैं, धीरे धीरे घास वहां की सूख जाती है. Excessive use of chemical fertilizers. Chemical fertilizers तो बहुत ज्यादा use किया जाता है. It degrades the value of soil or the properties of soil. The natural factors like rain wash, landslide, floods, they again contribute to soil degradation. ये भी soil को degrade करते हैं. आपने देखा होगा rain wash मतलब ऊपर की मिट्टी का बह जाना, ऊपर की मिट्टी बह जाती है. Landslides, landslides से बहुत important जो हमारा soil का resource है वो चला जाता है. इसमें फ्लड्स में अगेन फ्लड्स में भी यही होता है कि बहुत एरिया तक पानी विस्तार से फैलता है और वो बहुत सारा अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाता है. नाउ फॉर सॉइल कंजर्विंग वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. हम बहुत तरह के मेथड्स यूज करते हैं. सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन होना चाहिए बट इट इज अ मैसिव से मेजर. बहुत बड़ा मेजर है, बहुत मैसिव मेजर है. फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है. तो देयर आर सर्टेन मेजर्स दैट आर टेकन केयर ऑफ. फर्स्ट इज मल्चिंग. नाउ मल्चिंग क्या किया जाता है कि ऊपर वाली लेयर को बचाने, सॉइल की ऊपर की लेयर को बचाने के लिए खेतों में ऊपर से घास, सूखी घास डाली जाती है. इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है. दैट इज कॉल्ड मल्च. मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में हम मिट्टी की नमी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं. अगर नमी नहीं बनाए तो मिट्टी सूखती है और उड़ जाती है. सो सेकेंड इज कॉन्टूर बैरियर्स. बैरियर्स बनाए जाते हैं खेतों के आसपास, उन्हीं के आसपास डिच भी कर दिया जाता है, गड्ढे भी बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है पानी वहां जमा होता रहता है और कॉन्टूर में किनारे किनारे उसमें बैरियर्स टाइप के बनाए जाते हैं. थर्ड इज रॉक डैम. रॉक डैम तो नाम से ही पता लग रहा है, पत्थरों का डैम. पत्थरों का एक तरह से बांध बना दिया जाता है जिससे मिट्टी बहे ना. नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. इट इज अ वेरी कॉमन मेथड यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो. That is terrace farming is generally done on steep slopes. तो slopes पे किया जाता है, ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पानी और मिट्टी तुरंत बह जाते हैं. ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, they make slopes, they make सीढ़ियाँ बना ली जाती हैं. इसको सीढ़ीदार खेत, सीढ़ी नुमा खेत भी कहते हैं. तो terrace farming is very important in steep slopes. बहुत ज्यादा slope जहाँ पे होता है वहां पर terrace farming करते हैं. Intercropping is another matter. Intercropping में क्या होता है कि हम एक ही तरह के crops अगर लगाते हैं तो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप यूज करती है, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी सॉइल में हो जाती है. देन व्हाट इज टू बी डन, इट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अल्टरनेट लेन्स आर ग्रोन. अल्टरनेट लेन्स में अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. नाउ कॉन्टूर प्लोइंग. कॉन्टूर प्लोइंग का मतलब जैसे कॉन्टूर बैरियर्स थे वैसे कॉन्टूर प्लोइंग होती है. प्लोइंग की जाती है, उसमें क्या होता है उसमें बैरियर्स बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी बहेगा. एंड लास्ट इज शेल्टर बेड्स. द शेल्टर बेड्स मीन्स खेतों के किनारे शेल्टर बना दिया जाता है, ट्रीज लगाए जाते हैं, इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं जिससे हवा का इफेक्ट मिट्टी पर ना पड़े. क्योंकि मिट्टी जब भी सूखती है तो वो बहुत जल्दी उड़ती है. द सॉइल इट वॉश इज इट गेट वॉश्ड अवे बाय वाटर एंड इट मूव्स अवे विद एयर. अगर मिट्टी सूखी होगी तो हवा के साथ भी उड़ जाएगी और पानी के साथ भी बह जाएगी. तो उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो वी यूज मेनी डिफरेंट मेथड्स, मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम, terrace farming, intercropping, contour plowing, shelter beds. These are the different methods we use for soil conservation. Thank you.